एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पर बात करेंगे जो एमिरेट D20 का आज के दिन का यहाँ पर दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा अजमान और अबू धाबी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे अपन मैच के बारे में, तो मैच 10 बजे स्टार्ट होगा। मैच सेम ग्राउंड पर ही खेला जाएगा, बैलेंस सरफेस रहता है बैटर्स और बॉलर दोनों के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि अभी पहले मैचेस यहाँ पर चल रहे हैं तो बैटर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिलेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इन जो पहले पहले मैचेज हो रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लो रखो, क्योंकि यहाँ पर ना बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। पहले बात कर लेते हैं अबू धाबी की टीम की, तो यहाँ से ओपन करना चाहिए अत्ताउर रहीम और नाइक मोहम्मद। अत्ताउर रहीम की बात करूँ तो देखो, D20 में इसके नाम 11 मैच में 284 रन, 25 का एवरेज, 7 विकेट, 18 ओवर डाल के। बॉलिंग हर मैच में नहीं करवाता लेकिन करवाता है, थोड़ी बहुत ही करवाता है, पार्ट टाइम बॉलिंग करवाता है, ध्यान रखना। रिसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, 88-4, 36-2 विकेट, 23-0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होना चाहिए नाइक मोहम्मद। भाई इस बंदे पर ना कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन D20 में इसके नाम 4 मैच में 104 रन है और 26 का एवरेज है। अच्छी खासी इसने ओपनिंग की थी लास्ट सीजन, आपको अगर याद हो 53-0, 28-23 विकेट कीपिंग सेक्शन में दिया हुआ है, एक ट्रंप बन सकता है GL में। मोहम्मद कामरान अट्ठा की बात करूँ तो रिसेंट फॉर्म तो उतना खास है नहीं, नो बैटिंग दो, नो बैटिंग जीरो, लेकिन ये बात आप ध्यान रखो ये रिसेंट फॉर्म कहाँ का है। ये अभी जो अबू धाबी T10 लीग चल रही थी ना, वहाँ का इसका रिसेंट फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पर इसको ज़्यादा बैटिंग दे नहीं रहे थे, अदरवाइज ये बहुत अच्छा बैटर है। D20 में इसके नाम 12 मैच में 238 रन है। अली आबिद है रिसेंट फॉर्म, नो बैटिंग 2-6, 33-23 है, इसको भी मौका भी थोड़ा कम मिला है D20 में, 12 मैच में 260 रन, 28 का एवरेज, 1 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे मजर बासिर, ये बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म 27-3 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन लास्ट सीजन का आप देख सकते हो D20 में 149 रन है 11 मैच में और 7 विकेट भी हैं 34 ओवर डाल के। गुलाम मुर्तजा है डेथ का, बहुत अच्छा बॉलर है अगर बॉलिंग मिलती है तो। रिसेंट फॉर्म 25-1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 27 रन 0 विकेट, 30 रन 0 विकेट है। D20 में 8 मैच में 111 रन, 8 विकेट है। एथान डिसोजा है 1, नो बैटिंग 2, ये इसका रिसेंट फॉर्म है। D20 में 24 मैच में 582 रन, 48 का एवरेज है, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इसको बैटिंग कहाँ पर मिलती है। रियान मोहम्मद है रिसेंट फॉर्म 19-15, 15-15 है, ओवरऑल 5 मैच में 156 रन है। ओसामा हसन D20 में 10 मैच में सिर्फ 74 रन है, रिसेंट फॉर्म 20-14, नो बैटिंग है। मोहम्मद जुबैर खान है लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर, 97 मैच में 48 विकेट ओवरऑल है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट है, अच्छा बॉलर है, ध्यान रखना। जिया मुख्तार है, इसने भी लास्ट सीजन अच्छी बॉलिंग कराई थी, 8 मैच में 9 विकेट थे, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट है। और इसके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन कौन है अपने लिए, अत्ताउर रहीम है, नाइक मोहम्मद को तो GL में रखना, मोहम्मद कामरान अट्ठा अच्छा प्लेयर है, अली आबिद है, मजर बासिर है, गुलाम मुर्तजा है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जुबैर खान या फिर जिया मुख्तार में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बेंच में जो प्लेयर हैं उनके स्टेट देख लो, जोनाथन फिगी हैं, ओवरऑल 12 मैच में 379-31 का एवरेज, 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0-36-31-28-0 है। मोहम्मद आसिफ के नाम D20 में 11 मैच में 148 रन, 4 विकेट है। मोहम्मद रोहित के नाम ओवरऑल 13 मैच में 16 रन, 14 विकेट है। फैजल शाह D20 में 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट है। PA रियाज हैं, ओवरऑल 9 मैच में 113 रन, 14 विकेट है। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि अजमान की टीम की। अजमान की जो टीम है यहाँ से ओपनिंग करने चाहिए अंश टंडन और सागर कल्याण, राहुल चोपड़ा भी ओपन कर लेते हैं और वाजिद खान भी अगर चाहे तो टॉप में आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे को ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन लगे रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं। अंश टंडन है D20 में 23 मैच में 271 रन, 15 का एवरेज है सिर्फ, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 31-8, 7-19-0 है। सागर कल्याण ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, D20 में 6 मैच में 88 रन, 2 ही विकेट है, लेकिन रिसेंट फॉर्म जो शारजा CBFS वगैरह खेल के आ रहा है ना, वहाँ पर देखो 7 रन 19 रन 1 विकेट 48 रन 38 रन 64 रन, बढ़िया फॉर्म है और बढ़िया हिटर प्लेयर है। राहुल चोपड़ा ये भी भाई कंसिस्टेंटली रन करता है बंदा, 51 है, 6 है, 12 है, 42 है और 40 है। दाऊद एजाज है, ये भी एक बढ़िया प्लेयर है, 8 मैच में 191 रन, 23 का एवरेज है D20 में, रिसेंट फॉर्म 17-66, 55-0, 16 है।
नीचे चलेंगे वाजिद खान, ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म 11 दो विकेट, 11 एक विकेट, एक रन एक विकेट और 31 रन दो विकेट है, तो बढ़िया प्लेयर है। नासिर अजीज़ है, बहुत बढ़िया ऑफ स्पिन बॉलर है, प्लस बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है। D20 में 19 मैच में 111, 19 विकेट है और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे दो विकेट, 5 रन जीरो विकेट, 38 रन जीरो विकेट और 7 रन एक विकेट है। सुल्तान अहमद भाई, ये बंदा तो अभी अबू धाबी T10 भी खेल के आ रहा है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 11 दो विकेट, 9 बॉलिंग, 14 दो विकेट, 7 एक विकेट है, बिल्कुल 4 एक विकेट है, बिल्कुल मिस मत करना। D20 में 18 मैच में 22 विकेट है। अदनान उल मुल्क, D20 में एक मैच में डिड नॉट बैट, रिसेंट फॉर्म 8-4, 28-8-13 है। नव पबरेजा है, D20 में 7 मैच में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 6 रन 0 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट और 9 बॉलिंग है। मोहम्मद उजैर अनीश है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 5 रन है। सिराज अहमद है, ये भी आपको देख बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर खेलता हुआ नजर आया होगा, हालांकि लास्ट के 5 मिनट में विकेट नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन है, सागर कल्याण, राहुल चोपड़ा, दाऊद एजाज, वाजिद खान, नासिर अजीज, सुल्तान अहमद और नीचे से यहाँ पर सिराज अहमद मेरे को अच्छे प्लेयर लगे हैं। बाकी बेंच में जो प्लेयर हैं उनके स्टेट्स देख लो, सैयद ईसम है D20 में 8 मैच में 53 रन 3 विकेट है 12 ओवर डाल के, अंकुर शागवान D20 में 10 मैच में 3 विकेट है और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट है। जोएब गुजर है, ओवरऑल 293 मैच में 798 रन, 283 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। यहाँ से जीवन गंगाधरन है, इसके नाम रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, 1 रन 1 विकेट, 73 रन 0 विकेट, 0 रन 3 विकेट और 16 रन 1 विकेट है, ऑलराउंडर प्लेयर है। मोहम्मद अजमल है, रिसेंट फॉर्म 26 0 विकेट, 0 3 विकेट, 2 रन 0 विकेट और 4 रन 0 विकेट है। और अहमद अरशाद है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट है। तो इस मैच का जो एनालिसिस वाला पार्ट था वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से आप देख सकते हो यहाँ पर रखा है मोहम्मद कामरान अट्टा, राहुल चोपड़ा, बैटिंग सेक्शन से दाऊद एजाज, सागर कल्याण, अत्ताउर रहीम को रखा है और ऑलराउंडर सेक्शन से वाजिद खान, मजर बासिर, अली आबिद को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से गुलाम मुर्तजा, सुल्तान अहमद और नासिर अजीज़ को रखा है। कैप्टन मेरे अट्टाउर रहीम, वाइस कैप्टन वाजिद खान है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।